समय रखेगा। कुछ लेना देना है तभी तो कभी बिना लेने देने से कोई प्यार नहीं होता है। एक कोई उसके साथ साथ इसको भी रखना, भय बिन प्रीत न हो तो गसाई, ये तो बोल दिया। और उसके साथ साथ ये बोला, सुर नर नाग सबके ये रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। और उसके साथ साथ ये बोला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। एक कोई है जो बिना स्वार्थ से बिना डर से प्यार करता है, नहीं तो और सब कुछ मतलब क्या प्यार, दुनिया सब मतलब का प्यार। माँ भी बच्चे को, बच्चा भी माँ को, भाई बहन को, बहन बहन को, माँ बेटा को, बेटा बाप को, दोस्त दोस्त को, लड़का लड़की को, कुछ भी प्यार हो जाए, कुछ मतलब है। बिना मतलब का कहीं कुछ होता नहीं। और वो मतलब अगर डर के साथ हो तो वो थोड़ा स्थाई रहेगा, थोड़ा वो बैलेंस रिलेटिवली, बैलेंस। नहीं तो नहीं। स्वामी जी, मैंने कुछ ऐसे घटनाक्रम देखे, जैसे एक एक बत्तख ने अपनी अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसा ही एक हिरन, हिरन की माँ ने ओ हिरन बहुत बचाने सारा, के लिए अपनी हाँ जान दे दी। ऐसे दे जो दिया, ये बात सभी सही करती हैं, तो सफल है जी ये कैसे सिद्ध हुआ? क्योंकि अपने आप प्राण त्याग दिया अपने जी बच्चों के जी लिए। जी जी ये तो त्याग दिया। वो किस लिए प्यार किया, इसी का एक सूक्ष्म रहस्य समझना चाहिए। आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवन्ति, मुझे आनंद है बच्चे से, इसीलिए मैं बच्चे के लिए प्राण भी दे दूंगा। बच्चा का आनंद में मेरा आनंद है, मेरा आनंद के लिए मैं बच्चे को प्यार प्यार कर रहा हूँ। यही तो स्वार्थ है। मुझे आनंद है, मैं अभी बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तो क्यों खेला? हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मार रहा था, गुदगुदी लगा रहा था, उसको गिरा करके ये क्यों? मुझे उससे आनंद आता है, इसीलिए तो सब अपने आनंद के लिए ही, ये मूलभूत समझ है, मूलभूत सत्य ये है। मैं आपको प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे सुख मिलता है, आपको सुख देने वाले के देने के लिए नहीं। और वो दिखाई देता है मैं आपको सुख देता हूँ, वो आप सुखी होंगे तो मुझे सुख मिलेगा, इनडायरेक्ट। बच्चा अगर खूब खा पी करके बढ़िया तगड़ा हो गया और खूब कमाया और खूब कुछ किया तो मुझे आनंद है, क्यों? उसका सुख में मेरे को सुख है करके, उसके दुख में मुझे सुख नहीं मिलेगा। मैं हूँ उसका सुख ऐसे गया इसीलिए। और भगवान, भगवान का राम जो है उसके लिए, अपने सुख के लिए नहीं, वो सचमुच दूसरों के सुख के लिए आनंद रूप है, इसलिए आनंद देंगे, दुख दे ही नहीं सकते हैं। और सबका आनंद में उसका आनंद होगा, इसीलिए वो एक नहीं दो नहीं। माँ तो प्यार करती है, ठीक है ना, अपने बच्चे के लिए प्राण दिया ना, दूसरे बच्चे के लिए नहीं ना, मानोगे तो अपना अपना है ना दूसरे के बच्चे के लिए नहीं देंगे, इसीलिए वो स्वार्थ तो है। स्वार्थ के बिना कहीं प्यार नहीं हो सकता, दुनिया का यह नीति है। और दूसरों के लिए अपना स्वार्थ का नहीं होता हुआ, मैं भले दुखी हो जाऊं पर तुमको सुखी सुख मिलना चाहिए। और तुमको अगर सुखी देखूंगा तो दूसरे को कैसे दुखी देखूंगा? इसका मतलब साथे साथ सिद्ध हुआ कि एक का नहीं, जो बिना स्वार्थ का प्यार करता है वो सबके साथ प्यार करेगा, दुश्मन के साथ, दोस्त के साथ, सबके साथ।
वसुधैव कुटुम्बकम उसको बोलते हैं। वो अपना अपना का चिंता ही नहीं, अपना चिंता ही नहीं। वो तो कौन होगा अपना जिसका चिंता नहीं, वो सबके साथ एक ही व्यवहार करेगा। एक के साथ मेरा और दूसरे के साथ तेरा, ये व्यवहार उससे नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया सारे दुनिया स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं और वो स्वार्थ भय कहाँ है, भय कहाँ है? क्योंकि अगर मेरा बेटा सुखी नहीं होगा मैं दुखी हो जाऊंगा, ये भय अंदर भरा हुआ है, ये भय है। इस भय के बिना प्यार नहीं हो सकता है। मैं प्यार दूसरों को क्यों करता हूँ? भय से करता हूँ, क्योंकि मेरा कहीं दुख ना हो जाए, ये भय है। ये तो है आप पीछे हैं, आप पीछे हैं, आप आगे नहीं हैं। अच्छा सुन लो मेरे प्यारे, काफी है। सुन लो जरा मेरे प्यारे, ये काफी है। क्या है? गर जाम नहीं है हाथों में, आंखों से पिला दे काफी है। है अगर उसको गर बोलते हैं, गर जाम नहीं है हाथों में, आंखों से पिला दे काफी है। अब जीने की है फिक्र किसे, तू मुझे मिटा दे काफी है। अब डोर तेरे ही हाथों में, जी भर के नचा दे काफी है। डोर रस्सी तेरे हाथ में है, जैसे नचाना नचा दे। अब डोर तेरे ही हाथों में, जी भर के नचा दे काफी है। ना होश रहे बाकी ऐसा, पागल ही बना दे काफी है। अब अमृत की है चाह किसे, तू जहर पिला दे काफी है। क्या कमाल, खुद लिखे हो या कहीं से लाए हैं? अच्छा चलो, बहुत सुंदर है। ठीक है, तू कुछ भी बोल दे मौन में, सदा सर्वदा माफी है। ये काफी है, ये
काफी है। अब मैं मैना रहूं तू ही अकेला काफी है। गूगल अब फेल होगा तो क्लास बंद करो, माफी है। गूगल आज चल नहीं रहा है ढंग से। चलो भाई हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शीकरा यस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समनमथ्या ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वसिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। और एक मजेदार बात तो सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक कालू हमारे कौन है, हाँ कान्हा, वो कालू राधा राधा कह करके पागल हो गया है। पागल हो करके क्या किया, राधा का कवच है, राधा कवच, तो वो राधा का नाम से सारे अंग प्रत्यंगों को लिखने लग गया। सारे सब शरीर में राधा राधा लिखने लगा, वो कवच का जो नाम मंत्र सब लिखने लगा। वो लिख लिख करके फिर क्या किया, कंकड़ को फेंक करके चूड़ी पहनने लग गया, बाल को बेणी बना दिया, घुंघरेले बाल उसको जूड़ा बना दिया और बांध करके उसमें गले से माला ले करके जूड़े में बांध दिया। और नाक में फुल्ली लगाने लग गया, कुंडल को फेंक दिया, लोलक लगाने लग गया। बन गया पूरा।
राधा बन गया, राधा बन के राधा 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 बन गया। अब राधा का क्या काम होता है देखो, मौज राधा क्या करती है, श्याम श्याम श्याम। ये राधा बनने के बाद वही काना कालू राधा बन गया, राधा बनने के लिए बनने के बाद खुद राधा बन गया, राधा बनने के बाद श्याम 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 श्याम, मेरे श्याम कहा मेरे श्याम कहा मेरे मेरे कालू कहाँ गया करके खुद कालू राधा रूप में कालू को ढूंढ रहा है। ये है स्वार्थ अपने लिए, वो कालू कालू बनने के लिए राधा बना था अब समझ में आया? हाँ जी, ये है स्वार्थ कालू के बिना और दुनिया में कुछ है ही नहीं। राधा तो एक खाली नाम अपने ही, अपने ही नाम को राधा कहा गया, शक्ति को राधा कहा। अरे अग्नि से कहीं जो गर्मी कहीं अलग है क्या? अग्नि अगर कहेगा मैं गर्मी हूँ गर्मी हूँ गर्मी हूँ, वो अपने आप को तो बोल रहा है। गर्मी होने के बाद गर्मी कहाँ से आया? अग्नि से आया। अग्नि का चिंता क्या? अग्नि अग्नि का चिंता करने के लिए गर्मी का आड़ लेता है तो परमात्मा ये संसार को क्यों बनाया? अपने लिए, वही तो हम विचार कर रहे थे अपने लिए। उसका दूसरा अर्थ क्या निकालेंगे कि संसार बनना, ये प्रकृति जो नाच रही और नर्तकी के रूप में, प्रकृति का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है सत्य का उजागर करना है, सत्य को दिखाना प्रकृति का काम है, इसीलिए छिपाती है उसको छिपाती क्यों है फिर? छिपाती भाव बढ़ाने के लिए ताकि कोई दिलचस्पी लेकर के ढूंढेगा कहाँ छिपाया। अगर दिखा दोगे उसका क्या कीमत है क्या कीमत है? छिपा करके रखो उसका कीमत बढ़ता है। इसीलिए सत्य का सत्यपना को उजागर करने के लिए प्रकृति रानी उसको ढक देती है, छिपा देती है। इसके ऊपर एक कहानी सुनेंगे बड़ा मजेदार कहानी। एक बार क्या हुआ, हमारे भारत में जितने राजा महाराजा थे सब बड़े महाराजाओं के अंदर हमारे हैदराबाद का नवाब का नाम आता है। बहुत बड़ा था, बहुत पावरफुल था अंग्रेजी ज़माने में। वो नवाब और बेगम दोनों कभी सलाह किए, थोड़ा देश भ्रमण करके आते हैं तो साथ में सब जैसे होता है बड़े लोगों का, सब तार साम जाम ले करके सारा भारत भ्रमण करते करते कलकत्ता में पहुंच गए। कलकत्ता में ये सही घटना है, ये कहानी नहीं। कलकत्ता में पहुंच गए, कहीं बड़ा भारी किसी होटल में कहीं पर रहे। महाराज है नवाब है उसके लिए कमी क्या है, रहे। फिर रात को बेगम जी बोल रहे हैं, साहेब जब कलकत्ता इतना बड़ा शहर है भारत में, सब जानते हैं इतना बड़ा शहर, सब कुछ इधर मिलता है, कुछ खरीदारी कल कर लेंगे, खरीदारी करेंगे, मार्केटिंग कुछ करेंगे, परचेजिंग करेंगे। हाँ हाँ करेंगे, क्या करोगे?
कलकत्ता से एक दो साड़ी ले चलेंगे। हाँ हाँ चलेंगे। तो घूमते फिरते जहाँ कपड़ों के दुकान सारे, वो गली पूरा भरा हुआ है दुकान से, कपड़ों के दुकान, किस्म किस्म के, दुनिया के हर किस्म के कपड़े उधर बेचा जाता है। बड़े भारी शहर है, विदेशी भी चीज़ मिलता है उधर सब। तो नवाब और बेगम सब साथियों के साथ निकल पड़े और जा कर के उसी स्ट्रीट में देखने के लिए चल पड़े। और जो दिखा बड़ा भारी सुंदर, बाहर से दिखता है कोई दुकान, बाहर से भी सजावटी होता है, उसमें जाते हैं पूछते हैं साड़ी दिखाओ, साड़ी दिखाते हैं। तो अगर उस ज़माने में बढ़िया से बढ़िया साड़ी का 1000 कीमत होगा, उस ज़माना 1000 मतलब आज का 10 लाख हो सकता है। तो बढ़िया से बढ़िया सब साड़ी देखे, पसंद नहीं आया, बेगम साहब को पसंद नहीं आया। दूसरे दुकान में, तीसरा दुकान में, जहाँ जाते हैं सब साड़ी एक से एक बढ़िया बढ़िया देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। उस स्ट्रीट में तो सैकड़ों दुकानें हैं। तो ये बातें फैल गया, सारे दुकानों में फैल गया कि हैदराबाद का नवाब आ रखा है, बेगम चाहते हैं कोई साड़ी खरीदना, उनको पसंद नहीं आता है कोई साड़ी, उनका स्टैंडर्ड इतना है कि ये साधारण साड़ी उनको पसंद नहीं आता है। तो आखिर किनारे एक बड़ा दुकान था कपड़ों का, उसका जो प्रोपाइटर था, बड़ा चालाक आदमी था, वो अपना बहुत बड़ा दुकान था कपड़ा का, वो सब नौकर चाकरों को सब बुला करके फटाफट कुछ अरेंजमेंट किया। क्या अरेंजमेंट किया? पहले सब तो, अरे ये रोजाना आ जाता है भाई, रोजाना आकर के उधर घूमता है। अच्छा आज शनिवार है। उधर देखो, उधर जा रहा है, बड़ा ठाट से जा रहा है, एक पत्थर चला दो। आपने कहा आने के लिए आज? हाँ इसीलिए आया है, पर वहाँ आने के लिए थोड़ी कहा था। वहाँ तो मार खाएगा, उधर हमारे पूजा के जगह पर है ना। तो वो जो था वो अपना दुकान को खूब सजा दिया, रंग रंगीला सब, वो बेलून वलून कुछ रंगीला कागज, चमकीले कागज लगा करके सब डिजाइन बना दिया फटाफट। और कुछ साड़ी बाहर बढ़िया बढ़िया रंग रंगीला साड़ी रख दिया, उसको पैकिंग करके बढ़िया, उसमें कुछ इतर उतर डाल करके रख दिया। लेकिन उसका बड़ा भारी व्यवसायी है, तो वो जो स्टोर में चले गया, स्टोर में जा कर के सबको फटाफट बुलाया। स्टोर में 2-3 कमरे हैं, एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरा, बड़े बड़े स्टोर हैं सब। तो वो स्टोर सबको सजाया, किसी स्टोर में बाहर जो कपड़ा है उससे अच्छा कपड़ा रखा, और उसमें सब धूप बत्ती वगैरह रख करके और अच्छा लाइट जला करके रखा। तीसरा स्टोर में गया, तीसरा स्टोर में कुछ बड़े बड़े आलमारी बंद करके आलमारी के अंदर कुछ पेटियां छोटे छोटे रख दिया। जो आखिर स्टोर है उसमें क्या क्या बड़ा कमरा था उसको सब खाली करवा करके बड़े बड़े ट्रंक लाया, ट्रंक सिंदूक
सिंदूक के एक बड़ा सिंदूक के अंदर चार छोटे सिंदूक रह गया, वो छोटे सिंदूक के अंदर और चार छोटे छोटे रखा, वो छोटे छोटे के अंदर और दो चार रख दिया, ऐसे अंदर सब सब जो इतर वगैरह सेंट वगैरह डाल करके और फूल चंदन और बढ़िया रंग रंगीले कपड़े में सब उसको ये कागज़ में उसको पैक करके छोटे बक्से में एक साधारण साड़ी, अति साधारण जो बाहर होगा 1000 रुपये का साड़ी होगा तो अंदर इसमें 100 रुपये का साड़ी रख दिया, लेकिन उसको सजाया ढंग से और ढंग से सजा करके एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसा रख करके उसे ताला के ऊपर ताला, सब ताला ठोकते गया और कहीं अंदर महल में वो साड़ियों को, ऑर्डिनरी साड़ियों को रखा। आए नवाब साहेब और बेगम साहेब आ रहे हैं, आते 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 कहीं कुछ पसंद नहीं आया। ये साइकोलॉजिस्ट था व्यवसायी जो, ये जब देखा तो बेगम और बादशाह को बुला करके बड़ा सत्कार किया, बैठाया पहले और आरती उतारा और बड़ा ठंडा गरम कुछ जो कुछ चाहिए पिलाया, कुछ ब्रांडी रम उसकी कुछ पिलाया और उसके बाद जहाँ पना आपका क्या सेवा किया जाए। हाँ, हम कुछ साड़ी देखने के लिए आए थे, बेगम साहब को कहीं पसंद नहीं आया, या कलकत्ता शहर है क्या रखते हैं कपड़ा, इधर कुछ पसंद का है ही नहीं। महाराज आपका आपका बराबरी हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ रखे हैं, अगर आपको पसंद आता है देख लीजिए, देख लीजिए दिखाओ। और बाहर जो था अच्छे अच्छे साड़ियाँ, कीमती साड़ियाँ, उसको दिखाया दो चार। ये काबुल से आया है, ये तो आया है बनारस का है, ये तो ये वहाँ से आया, ऐसा सब दो चार, और ये ऐसा, इसका ये कीमत है, इसका ऐसा है, और कोई अच्छा है तो दिखाऊं। हाँ, बेगम साहब थोड़ा अंदर चलेंगे, दूसरे कमरे में ले गया, उधर दिखाया कुछ। हाँ ये थोड़ा बहुत ठीक लगता है, और इससे अच्छा होगा। हाँ महाराज, तीसरे कमरे में ले गया, वहाँ अलमारी के अंदर छोटे छोटे बक्से में सब रखा हुआ है, खुशबू महक रहा है, और दिखाए वो सचमुच वो कोई कीमती नहीं, उसका दिखावटी कीमती है तो फिर हाँ ये थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा है, और इससे अच्छा है ना। हाँ हाँ, आपका पसंद, हमारे आनंद आपका पसंद, आप देखिए, चलिए अंदर चलिए। अंदर गए फिर वहाँ, जब सबसे अंदर जा करके देखते हैं, अच्छा वो नंबर तीन जो है, नंबर तीन का सिंदूक खोलो, लाला बोलता है, सिंदूक खुला गया, उसके अंदर ये खुशबू महक रहा है, और उसके अंदर से अरे वो चौथा नंबर साड़ी बक्सा तो निकालो, चौथा नंबर बक्सा निकाले, चौथा के अंदर फिर लगा हुआ है दो तीन, उसके अंदर और है, उसको खोलो, उसको खोलो, उसको खोलो, वो सिंदूक के अंदर सिंदूक, आखिर कुछ छोटे छोटे जो बढ़िया चांदी के बक्से के अंदर
रखा हुआ है, है 10 रुपये का साड़ी और दिखाए आपके यहाँ बना, इसको अगर आपको पसंद आता है लीजिए। हाँ, इसका कीमत कोई नहीं, उस समय जो वो देख करके आ रहे थे 1000-2000, ये बोल दिया इसका कीमत साहेब 1 लाख का है, अगर पसंद आपका, मुँह सुखा करके 1 लाख का है, अगर आपका पसंद है तो हो सकता है, देखिए। हाँ, ये कुछ लगता है, ये थोड़ा बहुत पसंद आया बेगम साहब को, जो 100 रुपया का साड़ी नहीं होगा उसको 1 लाख दे करके लाए। क्यों? वो छिपाया गया था, छिपाया जो गया, ये सही घटना है, ये कहानी नहीं, बनावटी कहानी नहीं, ऐसे हुआ है एक्चुअली। उस समय मेरे पूर्वाश्रम का पिताजी कभी कलकत्ता गए थे तो वो ये कहानी देख करके सुन करके, उसी समय कलकत्ता में कहीं और दूसरे जगह पर थे, तो ये कहानी उसी समय कहा है, देख करके आ करके हमारे बच्चों को सिखाने के लिए उदाहरण देते थे कि बच्चों जो जिसका कुछ नहीं कीमत, उसका कीमत कैसे बढ़ता है चीज को छिपाना तो उसका कीमत बढ़ जाता है, चीज को दिखाने से कीमत नहीं बढ़ता है, छिपाना परमात्मा सबसे कीमती क्यों है सबके अंदर से अंदर, और अंदर चलो, और अंदर चलो, और अंदर चलो, फिर भी नहीं दिखाई देता इसीलिए सबसे बड़ा कीमती है, जो छिपा हुआ रहता है। हमारा पॉइंट ये था, प्रकृति परमात्मा का कीमत को बढ़ाने के लिए उसको छिपाती है, समझ में आई? When you hide an object, it values much because it is hidden inside. On this I told a story, beautiful story, real incident. अगर कोई सच है वो खूबसूरत खूबसूरत ही रहेगा, उसको छुपाने से भी सेम रहेगा, ऊपर रखने से भी सेम रहेगा। वो सेम को सेम है, कोई मना नहीं करता है। कीमत तो व्यवहारिक दुनिया में होता है, सच्चाई का थोड़ी होता है। सच्चाई को कौन कीमत देता है? दिखावटी को कीमत है, हाँ? क्यों शादी में नहीं देखे लड़की को कैसा सजाते हैं, नंगा करके क्यों नहीं शादी करवाते हैं, हैं? जितना सजाओगे, जितना ढकेंगे, उतना वो सुंदर दिखेगा। ये तो व्यवहार का दुनिया का बात है, सब जगह पर व्यवहार में जिस चीज को छिपाया गया उसका कीमत बढ़ा। सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई का कोई बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन सच को चाहता है कौन? चाहता है कौन? 2 दिन के बाद, बारिश के बाद आज जो धूप आया, ये कितना आनंद आता है। रोज आना धूप आता है, इतना आनंद आता है क्या ये है दुनिया, व्यवहारिक दुनिया का ये रीति रिवाज है, ये और क्या। समझिए, अगर आराम से परमात्मा मिल जाए तो नुकसान क्या है प्रकृति का? हाँ, वही तो, मैं वही पूछ रहा हूं। अरे रे, आराम से अगर भगवान मिल जाए, प्रकृति का क्या नुकसान हो जाएगा? प्रकृति का नुकसान सचमुच जानना चाहते हो? प्रकृति का काम खत्म सच्चे, सच्चे।
वो नाच नहीं पाएगी, उसका कीमत कम हो जाएगा। जी जी, इसीलिए नहीं छोड़ती। मेरे हाशिया फिसल जाएंगे तो मुझे पूछेंगे क्या, जब तक पकड़ रखा हूँ तो स्वामी जी छोड़ दीजिए ना, स्वामी जी क्या चाहिए आपको, छोड़ दो ना मुझे। जब छूट गए कौन पूछता है। स्वामी जी, रामकृष्ण परमहंस यूज्ड टू से दैट व्हेन समवन रियलाइजेस गॉड द नेचर इज सरप्राइज, ओ माय गॉड हाउ डिड ही डू इट, मतलब कर कैसे लिया। वही बात, इसे कहानी है एक, शीला उपाख्यान हमारे ये जोगवसिट में कहानी भी है। वो एक किसी बसिट जी कभी आसमान के किसी कोने में एकांत ढूंढते ढूंढते एकांत किसी कोने में थोड़ा बहुत एकांत मिला। एकांत तो कहीं आसमान में भी नहीं है, कहीं नहीं, सब जगह पर। क्यों? बारीक शब्दों को वो सुन सकते हैं, इसीलिए डिस्टर्बेंस है, हर जगह पर शब्द ही शब्द है। इसलिए कहीं जा कर के थोड़ा जहाँ कम कोलाहल है वहाँ पर एक मन से अपना एक सुंदर झोपड़ी बना करके उसके अंदर बैठ के ध्यान करने लग गए। अचानक कहीं से एक अबला स्त्री का क्रंदन ध्वनि सुनाई पड़ा, तो वो अचानक उनका ध्यान टूट गई। तो सोचे कोई एक असहाय स्त्री रो रही कहीं यहाँ पर आसमान के इस कोने पर, मदद करना हमारा धर्म होता है, चलो देखो। बाहर आकर के देखे जिस तरफ से आवाज़ आ रहा है उधर ही गए, कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा लेकिन आवाज़ तो आ रहा है। तब फिर वशिष्ठ जी और सूक्ष्म जगत में जा कर के, सूक्ष्म स्तर में जा कर के फिर शब्द को याचना किया कि तुम कौन हो, कहाँ पर, क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो। तो वह आवाज़ आया, अब मुझे देखने के लिए आप ऐसा रूप लेना पड़ेगा, तभी मुझे देख सकते हैं। मेरे मन का साथ आपका मन मैच करना चाहिए, तभी तो दिखेगा। हाँ, खग जाने खग कई भाषा। तो वशिष्ठ जी उस रूप में देखे, कोई बड़ा सुंदर एक कोई विद्याधरी, कोई एक परी जैसे कोई सुंदरी लड़की कोई रो रही थी। तो वशिष्ठ जी पूछे, मैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुमको। तब वो बड़े बड़े उसी भाषा में, अपने भाषा में सुंदर ऋचाओं के साथ बोलती है कि मैं किसी ब्रह्मांड की सरस्वती हूँ और मेरे पति देव ब्रह्मा सृष्टिकर्ता वो अभी बड़े वैराग्य को प्राप्त हुए हैं और समाधि में बैठ करके अपना संसार को अब संहार करने के लिए, उपसंहार करने के लिए वो बैठ गए हैं। जो प्रोजेक्ट किए थे उसको विड्रॉ करने में लगे हैं। अब मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे लिए कोई काम है ही नहीं, मेरे लिए कोई काम नहीं, मैं तो ऐसे ही नष्ट हो जाऊंगी। काम के बिना कोई रूप नहीं होगा, कोई नाम होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत परेशान में हूँ, अगर मुझे आप मदद करना चाहते हैं। पूछे वशिष्ठ जी, मैं आपका किस ढंग से क्या मदद कर सकता हूँ, बोलो आपका दुख कैसे निवारण कर सकता हूँ। तो वो महिला बोली,
बस इस मैं जानता हूँ आप किसी ब्रह्मा का लड़के हैं, मेरे साथ आओ, हमारे ब्रह्मांड में चलेंगे और मेरे पति देव को थोड़ा समझाओ। ऐसा क्यों जल्दीबाजी, मेरा हालत को तो देखो, मेरे अगर आपका COVID-19 में अगर आपका जॉब छीना गया आप दुखी नहीं होंगे? वही हालत हुआ उसका, काम नाम कुछ है ही नहीं, तो घर कब तक बैठेगी, क्या करेगी? तब वो आपत्ति जताई और फिर बसड़ी जी जाते हैं, उसके साथ साथ एक स्वर्णिम एक कोई शिलाखंड को दिखा करके आकाश में, वो विद्याधरी बोलती है वशिष्ठ ये हमारा ब्रह्मांड दिख रहा है, आपका ब्रह्मांड ये तो पत्थर का एक टुकड़ा नहा पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, अब आपको ब्रह्मांड दिखेगा। तब फिर कहे आप समाधि लगाओ इधर, और मेरे मन का जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आपका फ्रीक्वेंसी को बराबर करूँगा। आप बैठ जाओ ध्यान में, ध्यान में बैठ गए, सरस्वती वही विद्याधरी उधरी का सरस्वती, वो उनके मन में घुस करके मन का जो भावना धाराओं को उसी समय के बराबर सुसज्जित कर दी, और फिर बाहर आकर के बोलती है अब वशिष्ठ जी आंख खोलो क्या दिखता है देखो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ सुंदर ब्रह्मांड है, इसका ब्रह्मरंध्र कहाँ है? हमारा ये ब्रह्मरंध्र होता नहीं, ये मस्त जो चोटी रखते हैं यहीं से ब्रह्मांड का अंत है। जो परमात्मा सृष्टिकर्ता जो है सृष्टिकर्ता के रूप में, उसका ये जगह ब्रह्मांड का आखिरी हिस्सा है। तो ये सृष्टि के अंदर घुस करके वो जगह सरस्वती बताए, इसी के अंदर से हम घुस सकते हैं इस ब्रह्मांड में, चलो मेरे साथ चलो जा करके सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा बैठे हैं ध्यान में, वहाँ पहुँचते हैं। और वशिष्ठ को आया हुआ देख करके ब्रह्मा बड़ा सत्कार करते हैं, हे वशिष्ठ अमुक ब्रह्मांड के ब्रह्मा के लड़के आपका इस ब्रह्मांड में स्वागत है। आपका क्या सेवा हम कर सकते हैं बताइए, आप हमारा अतिथि है, बताओ हम क्या कर सकते हैं? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं सादा सीधा सरल भाषा में, ये महिला बड़े दुख में उधर रो रही थी, इसका दुख दूर करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप कृपा करके ये संसार को उपसंहार मत करो। तो ब्रह्मा जी हंस करके बोलते हैं वशिष्ठ तुम जानते हो, ये शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ, बड़ा सुंदर कहानी है आएगा ये। वशिष्ठ जी को समझाए, वशिष्ठ तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, सब जानते हो समझते हो, समय के हाथ में सब बंधे हुए हैं, समय आ चुका है महाकाल, कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए ये जल्दी से जल्दी ये सृष्टि संहार होगा, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी इस ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी सर्वनाश होगा, फंस गए तो फंस गए जिंदगी भर के लिए। इफ यू टेस्ट ओपियम वंस ए लिटिल स्मॉल क्वांटिटी यू आर गॉन, यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम इट। सो वन हु नोज द ट्रूथ एंजॉय द ट्रूथ एटलीस्ट वंस फॉर ए सेकेंड
he will never enjoy in the relative world. All these source of happiness in the relative world is nothing before that glimpse, once glimpse. Because nobody has tested it, then only we are enjoying here. Once you know what is gold, you will not enjoy the glittering of the glass pieces. Never you can enjoy it. This is how the truth is unknown, and it is unknown because the hiding factor, the power of it, supreme power, it hides it and revives it, and then it becomes more valuable. Though it is always existing, yet it is hidden. The work of the nature is to hide. That is his job, her job. So why she hides? Because that is her job. You cannot ask why the sweeper sweeps the path. It is his job. Cleaning is his job. So he has to do the duty. Nature's nature is to hide. So it hides. There is no question why. Why not? And because it hides, so everybody wants to search it. If it is open to one and all, there is no question of seeking for. It is already revealed. Yeah. So, no struggle. You enjoy the result after struggle only. So go on breaking your head and then have some stitches, and when you be cured, then you enjoy, oh, I have overcome such a big accident. I am saved. Now you will not say like that because you have not seen the accident. So do you mean this creation is an accident? It is not at all there. So it is neither accident nor it is true. It is just imagination. As you imagine, so it appears. Enjoy it. Why to go to the nature? Why don't you see yourself when you sit all alone and plan for the future? How much you enjoy? So this is called relative happiness. Everybody enjoys in that way, which is temporary, transitory. It will not remain for long. This is how the world is the nature's nature. Nature does it, hides it, hides the truth, and
When the truth is revealed, it becomes something greater than the greatest. But it is already there everywhere. Nobody values it. चलो अभी देखो, कल हम देख रहे थे ये निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध का 38वां सर्ग, जिसमें वही पूजा विधान हम देख रहे थे और पूजन में क्या क्या हम सब देखे कि जो बाह्य पूजा और अंतर पूजा इसका भेद को देख रहे थे और बाह्य पूजा क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, अंतर पूजा में मानसिक पूजा इत्यादि का भेद भी देखे थे हम, और ध्यान तो सबसे आखिर वो ध्यान ही सबसे उत्तम पूजा है। हे महर्षि, भीतर का ध्यान ही इस आत्मदेव की पूजा है, यानी ध्यान ही पूजा की सामग्री और स्वयं पूजन क्रिया है। इसके सिवा दूसरी कोई भी वस्तु इसके पूजन सामग्री या पूजा नहीं है। इसलिए तीनों भुवन का आधारभूत इस आत्मदेव की ध्यान से निरंतर पूजा करनी चाहिए। हमारे भगवान शंकर जी वशिष्ठ जी को समझाए, यह आत्मदेव का जो ध्यान है उसी में पूजन का सामग्री, पूजन का विधान, प्रक्रिया और पूजा तीनों एक ही चीज का नाम है, उसमें अंतर नहीं है और यही सर्वोत्कृष्ट पूजा है। सर्वोत्कृष्ट सर्व सबसे बड़ा जो भगवान है, जो सर्वव्यापक सब काल में सब जगह पर स्थित है, उसका ध्यान करना ही उसका पूजा है। चिद्रूप लाखों सूर्यों के समान दे दीप्यमान, सूर्य आदि समस्त प्रकाशक तेजों एवं बुद्धिवृत्तियों के अवभाषक, अहम भाव के सारभूत स्वस्वरूप, यानी अहम भाव के परित्याग से अवशिष्ट विशुद्ध आत्मस्वरूप तथा सबसे परे विद्यमान चित प्रकाश का आचरण करना चाहिए। उसी को बार बार दोहराते हैं और उसका स्पष्टीकरण करते हैं। वह बुद्धियों का जो वृत्तियां हैं, बुद्धि का जो चलनशीलता है, उसको प्रकाशित करने वाले, मतलब बुद्धि मैं अभी इस प्रकार सोच रहा हूँ करके आप जो जानते हो, वो कौन जानता है, वही आत्मदेव है। बुद्धि को देखने वाले, समझने वाला, प्रकाश करने वाले, तो ये जो सबको प्रकाशित करने वाले, अपने आप स्वयं प्रकाश और सूरज चंद्रमा इत्यादि सारे प्रकाशों को जो प्रकाशित करता है, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के प्रकाश से सब इस संसार के वस्तु प्रकाशित होते हैं। सूर्य चंद्र तारा गण ये सब उसी के प्रकाश को लेकर प्रकाशित होते हैं, उसका आश्रय करना चाहिए चित्त प्रकाश का।
और सबके अंदर वो प्रकाश दिखता है, तो उसी का आश्रय लेना चाहिए, मतलब उसी का ध्यान करना चाहिए। इस और उसका आश्रय लेना मतलब उसी का चिंतन करते करते अपना अहम को त्याग देना चाहिए, और वही आपका स्वरूप है ये समझ में तभी आएगा। इस नियति नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि असीम सबसे बड़े आकाश का जो विपुल विस्तार है वह उसका कंठ प्रदेश है। असीम नीचे के आकाश का जो विस्तार है वह तो उसका चरण सरोज है। हम आकाश को महाविशाल मान के बैठे हैं और वह आकाश इतना विस्तार कि हमारा बुद्धि उसके आगे नहीं जा सकता है। आकाश सबको व्याप्त कर रखा है और कहा गया वो जो परमात्मा रूपी जो आकाश है उसका ये तो चरण मात्र है। ये जो भूताकाश है, ये जो हम जिस आकाश को देखते हैं, जिसको हम नीला बोलते हैं, देखो आज कितना नीला है। सचमुच आकाश नीला है क्या? वो नीला रंग से हम कुछ समझते हैं। आकाश अगर नीला होता, इतनी सुंदर नीला, तो यहाँ क्यों नहीं दिखता नीला बना? यहाँ आकाश नहीं है क्या? जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसी को नीला कहते हैं, उसको काला कहते हैं, और जिसको देख सकते हैं उसको कोई रंग के नाम से हम कहते हैं। आकाश इतना बड़ा है इसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसी का नाम भूत आकाश। परंतु ये भूताकाश ये परम चैतन्याकाश का एक अंगूठी का एक नख कोण का एक धूल है। एकांशेन स्थितो जगत, एक अंश बहुत छोटा से छोटा अंश है ये। अब समझो परमात्मा कैसे होगा? एक बार कोई हमारे गुरु भाई स्वामी चिदानंद जी महाराज को पूछे, स्वामी जी मुझे ये सब ध्यान करने के लिए ये जितना सब तरीका बताया गया मेरे को पसंद नहीं आता है। स्वामी जी एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आकाश के ऊपर मैं ध्यान करूं? तो स्वामी जी बोले अगर पागल होना चाहते हो तो करो। आकाश के ऊपर कैसे ध्यान करोगे? मैं आपके ऊपर ध्यान अगर करूंगा या आपके बारे में कुछ बात करूंगा तो आपका एक सीमित रूप तो मेरे सामने होता है ना हमेशा, तभी तो आपके बारे में बात करूंगा। और आकाश के ऊपर हम ध्यान करेंगे, आकाश का कोई सीमा आपको पता चलता है क्या? उसके ऊपर क्या ध्यान करोगे कैसे? आकाश के ऊपर ध्यान नहीं किया जाता है। ध्यान अगर करते हो आकाश के ऊपर करके तुम मानते हो, उसका मतलब तुम ध्यान नहीं कर रहे हो। मन को स्थिर कर दिया है, बात सही, उसको ध्यान कहेंगे, जरूर कहेंगे, वही असली ध्यान है। लेकिन आकाश का बहाना बना करके ध्यान कर रहे हो करके कहना, वह ध्यान नहीं होगा, क्योंकि आकाश का स्वरूप को तुमको पता ही नहीं। कैसे ध्यान करोगे उसके ऊपर? रॉन्ग मेथड, रॉन्ग मेथड, एंड यू विल गो मैड, यू विल गो मैड। आकाश द स्काई द एलिमेंटरी स्काई वी मेडिटेट अपन एंड वी
हैव सम आइडियाज अबाउट द एलिमेंटरी स्काई दैट इज रॉन्ग ऑफ कोर्स एंड दिस सो कॉल्ड इनफिनाइट स्काई इज ए डॉट इन द कॉर्नर ऑफ द नेल ऑफ द थंब ऑफ द विराट पुरुष दैट ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस इट इज जस्ट ए डस्ट पार्टिकल आवर सो कॉल्ड स्काई इथर और स्पेस अजीवलायन से एकांशेनस्थितो जगत आई होल्ड ऑल दिस क्रिएशंस नॉट क्रिएशन नॉट सिंगुलर प्लूरल क्रिएशंस यूनिवर्सेस बाय माय सिंगल स्मॉलेस्ट पार्ट Such is my glory. तो भगवान का ऊपर ध्यान कैसे करोगे? ध्यान तो हम नहीं कर सकते हैं. हमारा मन का क्या ताकत है? तो फिर क्या करेंगे हम? चुप हो जाना, सरेंडर कर दो. वही है ध्यान. वही है ध्यान. उसी को हम कहते हैं ध्यान समाधि. लेकिन क्या होता है कोई नहीं जाना. वो क्या होगा कोई आया नहीं बोलने के लिए. क्या हुआ? जो गया हो गया. जलगत्वान अनिवर्तन थे. जिसने गया वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया तब तक तो हमको मालूम है. और उसके बाद उस तरफ को कूद गया हमको दिखता नहीं. वो प्लेन एक्सीडेंट हो गया उसके बाद सुभाष बोस का क्या हुआ? आज तक उसी के ऊपर झगड़ा चल रहा है. और एक दो शताब्दी तक चलेगा झगड़ा कि वो सुभाष बोस का क्या हुआ था. क्यों? कोई देखा नहीं भाई. क्या देखोगे? क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते हैं. इसलिए परमात्मा का एक नाम अज्ञात भी कहा गया, अदृष्ट भी कहा गया. अदृष्ट इस नियति नाटक के साक्षी परमात्मा का इतना बड़ा स्वरूप है कि असीम सबसे बड़े आकाश का आकाश हमारे लिए असीम है. जो विपुल विस्तार है द परवेसिवनेस ऑफ ऑल और ऑल परवेसिवनेस ऑफ द सो कॉल्ड आवर विजिबल स्काई व्हाट एवर वी नो एज द स्काई दैट इज जस्ट very smallest particle of the absolute. असीम के नीचे आकाश का जो विस्तार है वो तो उसका चरण सरोज है. चरण का जो कमल है उसका जो ऊपर का वो पराग रेणु है वही है. वो ये आकाश सीमा शून्य दिशाओं के किनारों का यह जो विस्तार है जो किनारा है मतलब दिशाएं जिसका कोई सीमा ही नहीं ऐसा जो दिशाएं हैं और वो जो विस्तार को प्राप्त हो रखे हैं वही उसका भुजमंडल है हाथ पैर है सर्वत्रोक्षी शिरोमुखा है. जहाँ देखो वहीं उसका आँख जहाँ देखो वहीं उसका
हाथ काम करता हुआ सब जगह पर अपना शरीर है, वो त्रिभुवन वपुष, उसका शरीर में ऐसे ब्रह्मांड सब लोम लोम लटके हुए हैं। अनंत ब्रह्मा विष्णु सब एक एक लोम में लटके हुए हैं। ये पार्वती माता जी को राम जी ये स्वरूप दिखाए थे जब पार्वती माता जी को भ्रम हो गया था। ईश्वर पार्वती आकाश में कहीं भ्रमण करके जा रहे थे, नीचे सीता जी को ढूंढते ढूंढते रोते रोते राम जी झाड़ी से झाड़ी तक जा कर के लक्ष्मण को पकड़ के रोते थे, मेरी सीता कहाँ छिपी, कहाँ गई, रो रहे कोई कामातुर एक सामान्य मनुष्य के तरह। तो उसको देख कर के भगवान शंकर जय सच्चिदानंद करके सिर झुकाए, तो पार्वती के मन में ठन गया शंका, भगवान आप किसको नमस्कार किए, आप तो त्रिभुवन के ईश्वर है, आप किसको नमस्कार किए। शंकर भगवान कहे मेरे इष्ट देवता को। आपका इष्ट देवता कौन है, है कोई, राम है, ये राम, ये कोई आपका इष्ट देवता हो सकता है, ये तो मैंने पत्नी के लिए रो रो करके बेहाल हो रखा है, ये कैसे होगा। अब किसको ऐसा नमस्कार आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। शंकर भगवान समझाए, वही जो परमात्मा परम ब्रह्म सनातन है वही मेरे इस रूप में ये लीला कर रहे हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सका, ये राम नहीं हो सके, ये राम दशरथ नंदन राम वो परमात्मा नहीं, माने नहीं। स्वामी स्त्री में झगड़ा हो जाता है कभी कभी, आप भी कभी झगड़ा किए ना, डंडा उठाए, अच्छा पी करके या नहीं पिए। अच्छा चलो यार, शंकर भगवान थोड़ा पिए थे क्या भाग, पर पार्वती माता जी नहीं पीती, तो उसको विश्वास नहीं हुआ, भगवान कहे विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। और पार्वती के मन में हिम्मत आ गया, देखूं मैं ये दशरथ नंदन राम कैसे हैं, तो वो सीता का रूप ले करके झाड़ी के अंदर से बाहर से निकल के सामने से आ रहे हैं सीता के रूप। राम जी आ करके जब देखे सीता के रूप में आ रहे हैं, राम जी समझ गए, समझ करके हाथ जोड़ के गए, बोलते हैं हे मातर वृषभानु कहाँ हैं, उनको छोड़ के क्या आप ये जंगल में क्यों घूम रहे हैं, मरम की बात बोलती है। तो होश उड़ गया पार्वती माता जी का, और वो क्या करूं कहां जाऊं, रास्ता नहीं मिलता है, तो वो जहां जाने के लिए वो पीछे हट करके जब भागने लगे डर के मारे, अरे ये तो दिल की बात सारा बोल दिए, मुझे कैसे पहचान लिए, मैं तो सीता रूप में आई थी, ये वही परमात्मा है। तो और सर्टिफिकेट पक्का करने के लिए स्टाम्प लगा करके साइन मारने के लिए गए, तो वो कैसा किए, जहाँ जा रहे हैं उधर से सीता राम सीता लक्ष्मण आ रहे हैं, सीता है साथ में, सीता कहीं नहीं गई। राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं उधर से, उधर से मुड़े शर्म के मारे इस तरफ गए, उस तरफ से सीता राम लक्ष्मण आ रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहीं सीता राम लक्ष्मण,
सारी दुनिया राम लक्ष्मण सीता से भर गया, जहां देखते हैं वहीं राम सीता लक्ष्मण। तो सोची पार्वती माता, सोची क्या करूं अब, तो भगवान का विश्वरूप दर्शन की पार्वती माता जी, वो राम के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु लटके हुए। परमात्मा का विश्वरूप कैसा होता है, रोम रोम ब्रह्मांड निकाया, उस रूप को देख करके घबरा गई, बेहोश हो गई। तब फिर भगवान समझ गए माता जी का हालत खराब हो गया। वो सारा दिशा को जब खींच लिए तो पार्वती माता जी देखते हैं शंकर भगवान के पास पहुंच चुके हैं। तो शंकर जी पूछे, क्या क्या मेरा पता चल गया, वो कौन है? पार्वती माता जी शर्म के मारे कुछ बोली नहीं, और जब पार्वती सीता का रूप लिया, भगवान सोचे सीता तो मेरे माँ है, ये माँ का रूप ले लिया है, ये मेरे पत्नी नहीं रह सकती, त्याग दिए मनीमान। ये मेरे माँ का रूप लिया, ये फिर पत्नी का रूप नहीं हो सकता है। तो फिर कहानी चलता रहता। तो इसी ढंग से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो है ये परमात्मा परमेश्वर, उसका रूप को कोई सोच सकता है क्या? कैसे सोचेगा, ये मन सोचेगा उसको? कहीं जुगनू ग्लोवर्म, वो क्या सूरज का कितना रेज है गिनती कर सकता है? दिस ऑल इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, दे आर जस्ट डस्ट पार्टिकल्स इन द अंडर द फीट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, the greatest being, we may say, greatest being, Virat Purusha, and just as the glowworm cannot count the numbers of rays of the sun, so our mind cannot hold any thing about the truth. Nothing can be understood. Nothing. कुछ नहीं समझ में आएगा. समझना छोड़ दोगे तब तो तुम्हारे भलाई है. If you give up understanding, that is your well-being. At least something you have understood. But Swamiji, that something is more than enough, isn't it? That is more than enough, that's why we are unable to keep quiet, to accept that state. That is more than enough to keep quiet, to keep quiet. That's why we are unable to do it. हम समझना नहीं छोड़ सकते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे ही कोशिश करते हैं जैसे एक नमक का टुकड़ा प्रशांत महासागर का गहराई मापने के लिए चला और एक मच्छर महाआकाश का दूरी को मापने के लिए चला, और जैसे एक जुगनू सूरज का किरणों को गिनती करने के लिए चला और एक चींटी वह हिमालय की ऊंचाई
के ऊपर बैठ कर के थोड़ा हवा खाने के लिए निकला था। ऐसे ही प्रयास हम लोगों का है। खैर कभी लोग बोलते हैं वामन चंद्रमा को पकड़ने के लिए कोशिश किया। जैसे भी हमारे पास हजारों ऐसा उदाहरण उपमा है जो असंभव है, असंभव को दिखाता है। सोच ही नहीं सकता है कोई। सीमा शून्य दिशाओं के किनारों का यह जो विस्तार है वही उसका भुजमंडल है और उसी से वह राजित है, राजित शोभा पाता है। उन हाथों में उसने विविध ब्रह्मांडों में विद्यमान बड़े बड़े सत्य आदि लोक रूप श्रेष्ठ आयुधों का ग्रहण किया है। सत्य लोक जहाँ ब्रह्मा बैठता है वो उनका एक चाकू मान लो या नहीं तो नेल कटर मान लो। नाखून काटने के लिए जेब में रखते हैं कभी ब्लेड का टुकड़े, वही है उनका। उसके हृदय कोष के एक कोने में ब्रह्मांड समूह की पंक्तियों का पंक्तियों की पंक्तियां छिपी हुए हैं। वह प्रकाश स्वरूप एवं तम से परे हैं और उसके स्वरूप का कहीं पार भी नहीं जाया जा सकता है। वो परमात्मा, उसके बारे में कुछ भी हम कह नहीं सकते हैं। कुछ पार जा सकता है, पार नहीं जा सकता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं। पार क्या होता है, इस पार और उस पार, इसका मीनिंग उधर कुछ नहीं है, ना इस पार ना उस पार। पार तो तभी हम समझेंगे अगर कोई सीमा दिखाई दे, तभी तो सीमा के परे कहेंगे। हम तो बोलने के लिए बोलते हैं परात पर, सबसे आखिर सीमा से भी आखिर सीमा है। बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, उसका कोई माने थोड़ी होता है। जैसे पागल कुछ प्रलाप करता है वैसे ही हम प्रलाप करते हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी कभी देखा नहीं मैं। अढ़ोस्मि धनवान सुखी कुन्यस्ति सदृशो मया, मेरे बराबर दुनिया में है कोई? हाय मैं सबसे बड़ा हूँ, इसी के सहारे हम जीना जीवन जीते हैं। यही तो चमत्कार है। मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे से बढ़ करके समझदार कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा धनी। मेरे पास जो धन है तुम क्या समझते हो, मेरे को तुम जैसे सैकड़ों को खरीद लूँगा, हाँ क्या समझते हो अपने को? अरे एक मुक्की लगाओ ना, अरे दस तुम्हारे जैसे मिट्टी चाटेंगे, क्या समझते हो मेरे को? हाँ किसको नहीं मैं हराया कुश्ती में, जानकारी में? अरे ये तो सब मेरे बाएं हाथ की खेल, कोई भी शास्त्र ले आओ, करो शास्त्रार्थ तो मेरे सामने। तुम जानते हो क्या मेरे बराबर पंडित कोई है दुनिया में? इसी के सहारे हम जिंदा रहते हैं। यही हमारे जीवन का आधार, ये अहंकार। धन्य हो। एक अंजलि भर पानी में डूब करके नहीं मरते हो तुम? है अंजलि भर पानी में डूब करके मरो,
शर्म नहीं आता है। अरे ये किसका खेल है? वही लड़की का। अरे यार वो नाचने वाली लड़की सबका बुद्धि को ऐसा बना रखी है, सबका बुद्धि को भी भ्रम कर रखी है। अरे वो नीचे ऊपर चारों दिशाओं एवं उपदिशाओं में ब्रह्मा इंद्र हरिहर आदि प्रमुख देव स्वामियों से निरंतर परिवृत है। महर्षि उस असीम आत्मचैतन्य की यह चतुर्विध भूतों की शोभा एक तरह की रोम राजियां हैं, यूं जानना चाहिए। ये जितने अनंत कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, वो देवताओं का देवत्व है। और ये सब मान लो परमात्मा के रोम रोम में लटके हुए मान लो, शोभा बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए। अब रंग लगाते हो मेहंदी बाल में क्यों? सफेद हो गए बाल। हाँ यही करते हैं परमात्मा, ये देवताओं को बाल में थोड़ा मेहंदी लगा करके देखते हैं मेरा बाल काला रखे। ये देवताएं सब शोभा बढ़ाते हैं उनका। अरे इस जगत त्रय में 3 भुवन है, हम कहते हैं ना भूर भुव स्व, आकाश मर्त्य पाताल, जैसे भी बोलो। तो ये जगत त्रय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करने के लिए विनिर्मित यंत्र रजों की सी ये इच्छा आदि शक्तियाँ उसके शरीर में रहने वाले नाड़ियाँ हैं, यूँ जानना चाहिए। ये इच्छा जो है ना हमारे, हम कुछ इच्छा के बारे में समझ सकते हैं। हम तो इच्छा इच्छा से तो जीते हैं, मैं जिंदा रहूँ ये हमारा इच्छा है, सबका यही इच्छा है। इसलिए हम इच्छा के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो परमात्मा का ये जो इच्छा है, ये मान लो कैसे हैं, ये सब उनके नस नाड़ियाँ हैं। जो परमात्मा का एक जो भाव हम जानते हैं, परमात्मा करके एक कोई चीज़ है, उसको बांध करके रखने के लिए ये इच्छाएँ ही इच्छाएँ ये हैं उनके लिए धागा। इच्छा रूपी धागाओं में परमात्मा का जो एक हमारे मन में एक कोई एक कुछ आइडिया है, तो उसको बांध रखने के लिए इच्छा ही तो है, परमात्मा का इच्छा है। और जिस इच्छाओं के चलते ही अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और उसका नाश भी होता है, परमात्मा का इच्छा ये। और इसको यही इच्छा ही परमात्मा का जो एक कुछ हम जो सोचते हैं भावना, उस भावना को परमात्मा को नहीं, परमात्मा रूपी जो एक कुछ भावना है, वो भावना को बांध रखने के लिए इच्छाएं धागा के काम करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये बड़ा
विचित्र अलंकार है, भाषा का अलंकार। परमात्मा रूपी एक भावना मानो, जो सच्चा परमात्मा नहीं है, और उस भावना को एक रूप दो। जैसे हम कहे उषा प्रातः काल को एक सुंदर लड़की का डांसर, एक कोई नर्तकी का रूप दे दो, फिर उसको वर्णना करो, रूप देना। रूपक अलंकार है ये, रूप दे करके वो भावना को एक रूप दिया, जो सच्चा परमात्मा नहीं है। अच्छा, उसको सजाने के लिए क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए? वो जो सजाने के लिए चाहिए, तो उसका इच्छा ही जो नहीं है दिख रहा है। जैसे भावना नहीं है, भावना दिख रहा है, कुछ रूप दिए है उसको, रूप दे करके उसको भावना इच्छाओं को भी रूप दे दो, और वो इच्छा वो भावना को सुंदरता के साथ सजा करके रखे रहेंगे, तो वो सौंदर्य क्या है, अनंत करुणों ब्रह्मांड वो धागे में लपेटे हुए हैं। जैसे हम पग घुंघरू बांध बिना नाची रे, वो घुंघरू एक नहीं होता है, उसको धागा में बांध के गुच्छे बना करके फिर पैर में बांधते हैं, तभी तो घुंघरू बजेगा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो धागा से बंधाया गया, सूत्रे मणि गणाई, धागा में जैसे मणियों को हम बांध करके माला बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को इच्छा रूपी धागा से बांध करके जो भावना रूपी परमात्मा का एक सौंदर्य बढ़ाने के लिए, मान लो प्रकृति रानी पूर्णतया प्रयासरत है, ऐसे ही मानो परमात्मा जहाँ होगा जैसे होगा होगा, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। इधर nobody knows how is the truth, but the idea of the truth, if it is personified and we have to keep up its beauty, then some beautiful garlands of innumerable universes were stitched by some thread. That thread is nothing but desires which unites all these innumerable universes to beautify the idea personified as the absolute. So you can just imagine, how can you imagine about the truth? No question. Aham also then. That is the aham. Aham also the personified. Yes. So this I which will appear everywhere. That also never disappears from. मैं कहूँ आपको सार, if I tell you the truth of the truths, whatever we are discussing and trying to understand and whatever we are talking of, useless, bogus nonsense. I agree, sir. Just to pass time. इसका कोई माने है, कोई माने है क्या ऐसा बोलने का? एक पागलपना, यही तो मैं बार बार कहता हूँ, समझना नहीं है, समझ नहीं सकते हैं करके बोलने के बाद, हाँ अच्छा मैं समझ गया कि समझ नहीं सकता कि हाँ पागलपना है, मैं समझ गया अब
क्या समझा न समझा नहीं जा सकता तभी तो कहते हैं पागलों का अड्डा या पागलों का अड्डा मैडमैन्स हॉस्पिटल द वर्ल्ड इज नथिंग बट मेंटल हॉस्पिटल ऑल द मेंटल केसेस किटल में लेके आता था और जब देने आता था तो रास्ते में मेंटल हॉस्पिटल था तो बहुत डर लगता था कि मैं मेंटल हॉस्पिटल से जा रहा हूँ अंधेरे 5 बजे वो दूध देने आता था और तो अभी 3 केटल लेके जा रहा है तो उतने में उसने देखा अरे पीछे से एक पागल उसको भाग के आ रहा है तो डर गया तीनों केटल लेके भाग रहा है सोचा इसको शायद एक केटल चाहिए तो उसने एक केटल छोड़ दिया इसको दूध चाहिए और आगे 2 केटल लेके भाग रहा है तो देखा अरे और पागल और उसके पीछे आ रहा है तो दूसरा भी केटल उसको दे दिया फिर भी वो पागल आ गया उसके पीछे और अभी ये तो थक जा रहा है तो उसने आखिर केटल भी रख दिया अभी ये भागते अपने जान को लेके भागता है वो पागल आके आके उसको किया हाथ लगाया आउट और चला गया सिर्फ आओ क्या और चला गया इसके लिए और एक पागल पागल कहानी सुनो सुनाता ये पागल कहानी आप भूल जाते हैं मैं पागल कहानी बताने के लिए रखा हूँ बताऊंगा कभी बरेली हमारा है बरेली यूपी में बरेली है वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल है वो मेंटल हॉस्पिटल जब शुरू हुआ उसको उद्घाटन करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री नेहरू जी आए थे पहले सब ठीक ठाक सजाया गया और कमरे उमरे सब उसमें कुछ कुछ अलग अलग किस्म के पागलों को लाकर रखा गया था और जहाँ हॉस्पिटल जहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा वो सब तैयार हो गया था और डॉक्टर लोग भी साइकेट्रिस्ट लोग सब थे उधर और नेहरू आए उसको उद्घाटन करने के लिए और कर दिए करके फिर अंदर घूम रहे हैं सब कहीं कैसे क्या व्यवस्था कैसे है सब देखने के लिए वो एक विंग में जा रहे थे जिस विंग में सोफिस्टिकेटेड और हाईली एजुकेटेड पागल लोग रहते हैं उस विंग में बरना में जा रहे थे वो खिड़की के पास एक कोई पागल बैठा है पागल बैठ कर के बाहर को देख रहा है झुक करके देख रहा है बाहर दुनिया कैसे है जैसे हम लोग आप अपने को पागल नहीं समझते ना अच्छा अच्छा तो बैठ कर देख रहा था उसी के सामने से नेहरू जी गुजरे देखे अंदर से एक कोई बड़ा अच्छा जेंटलमैन कोई बैठ के बाहर देख रहा है तो नेहरू सोचे ये शायद और कोई होगा पागल नहीं खड़ा हो गए के उसके साथ थोड़ा बात करने के लिए सोचे कौन नेहरू हाँ जी हाउ आर यू पागल कहता फाइन हाउ आर यू नेहरू कहता है आई एम ओके नेहरू पूछते हैं नेहरू को वो पूछता है पागल पूछता है हु आर यू वेयर फ्रॉम यू हैव कम पागल पूछता है नेहरू जी को हु आर यू वेयर फ्रॉम यू हैव कम हियर व्हाट्स योर नेम तो नेहरू जी बोलते हैं पीपल कॉल मी पंडित जवाहरलाल नेहरू
the Prime Minister of India. People call me. तो पागल कहता हंस दिया, ठठा करके हंसा. अरे वो हंसा, आई वॉज ऑल्सो टेलिंग लाइक दिस. सो यू हैव कम, सो यू हैव कम हियर. कभी मैं भी अपने को बोलता था कि मेरे को दुनिया के लोग पंडित नेहरू बोलते हैं. अरे तुम बोले हो इसीलिए आए हो इधर. डट वेरी वेल, वेरी वेल. ऐसा सब पागल होते हैं. हम सोचते हैं उस पागल की कहानी सुनते हैं, हम पागल नहीं है. हाय रे विधाता, ये सारे दुनिया पागलों का अड्डा, इसमें और कोई नहीं मिलेगा. जंगल में क्या, जंगल में जाकर के ढूंढेंगे क्या मिलेगा है? जंगल में तो पेड़ पौधे मिलेंगे ना, और क्या मिलेगा. तो इस जगत त्रय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करने के लिए विनिर्मित यंत्र रज्जुओं की सी ये इच्छा आदि शक्तियाँ उसके शरीर में रहने वाली नाड़ियाँ हैं, यों जानना चाहिए. हमारे विश्वरूप वर्णना में बड़ा सुंदर वर्णना होता है परमात्मा का स्वरूप कैसे. नारायण सूक्त में अलग, पुरुष सूक्त में अलग, पर है अर्थ तो एक ही है, शब्द जाल अलग अलग है. और पुरुष सूक्त और ऐसा सब अलग अलग हमारे वर्णना है, जिसमें समझने के लिए कुछ समझ नहीं सकते हम. कुछ आइडिया आता है. नियति के नाटक का साक्षीभूत यह चिदात्मा ही वह परम देव है. हम जिसे परम परमात्मा, परम देवता, जिसका पूजा के लिए चर्चा कर रहे थे शंकर भगवान वशिष्ठ जी को, जिसका उपदेश दे रहे हैं, ये आत्मदेव का इस प्रकार पूजा करना है. अब वसंत ऋतु आने वाला है, देखो क्या रंग रंगीला, देखो 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 उधर. हाँ ये तो, हाँ जी. और एक सुनहरा तोतीला रंग का एक ये गया, वो देखो. ठीक है, ये प्रकृति का रंग रंगीला खेल है. भगवान, एक तो कितना सुंदर लाल और दूसरा कितना सुंदर हरा, और दोनों का जोड़ी. धन्य हो प्रकृति रानी. तो हम ये जो नियति जो नृत्य कर रही है, उसका नृत्य को देखने वाला वो चिदात्मा जो परम देव आत्मदेव के नाम से हम जिसको हम बोल करके पर शंकर भगवान वशिष्ठ जी को उपदेश रहे दे रहे थे कि उस आत्मदेव का ध्यान करना चाहिए. तो वो आत्मदेव के बारे में शंकर भगवान इस भाषा में थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं. वो आत्मदेव वो नटिका नाटक को देखते रहते हैं. हाँ जी,
वही देव घट में पट में बट में भीति में सकट में और वानर में स्थित है। वही परम देव शिव हर हरि ब्रह्म देव इंद्र कुबेर और यम के रूप में देखे जाते हैं। अनेक विध घट पट आदि आकृतियों को लेकर असंख्य पदों से बाधित होने वाली तथा उन आकृतियों को छोड़कर एक पद से अस्थि पद से बोधित होने वाली सत्ता रूप एकमात्र देह से युक्त इस जगत जाल का उत्पादक महाकाल इस आत्मदेव का द्वारपाल है। यानी अविशुद्धि दशा में आत्मा के अंदर प्रवेश करने समय मन को रोक देने वाला और विशुद्धि दशा में प्रवेश करते समय अनुकूल रहने वाला एक तरह से द्वार रक्षक है। हम संसार में जो कुछ हम रह करके ये व्यवहारिक दुनिया में रह करके इस व्यवहारिक दुनिया में रह करके हम क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं। बिना बोले तो कोई व्यवहार चलता नहीं। बोलना है कुछ और उसका कुछ अर्थ होगा। तुम कुछ भी बोलो उसका एक ही अर्थ है। इसके ऊपर हम बार बार बहुत चर्चा किए हैं। कुछ भी नाम बोल दो उस नाम से जो रूप दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का ही रूप है। क्यों? अगर तुम कहोगे बगीचा और बोलोगे गौशाला और बोलोगे कमरा का बरंडा, क्या ये मिट्टी से अलग है? सो हो सकता है अलग हो सकता है कहीं? और बोलोगे हॉस्पिटल का बरंडा और ये हमारा डाइनिंग हॉल, इसमें अंतर कुछ नहीं है, मिट्टी ही है। वो मिट्टी यहाँ भी है वहाँ भी है, सब एक तार से मिट्टी के नाम से सब जुड़े हुए हैं। ऐसे ही दुनिया में आप कुछ भी शब्द कहेंगे, कुछ भी आवाज़ निकलता है आपका, कोई भी भाषा हो, कुछ भी बोलते हो, उसका सिर्फ एक ही अर्थ है, वो परमात्मा का नाम है। अलग अलग रूप में जुड़े हुए हैं परमात्मा से। इसी प्रकार ये जितना जो कुछ आप बोलते हो ये सब शब्द जाल का, हम क्या क्या बोलते हैं, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये इसका रूप ये है, और ऐसे जो असंख्य शब्दों को हम बोलते हैं उससे जो एक ही चीज़ वो हमारे सामने आता है वो है अस्ति है सब में है। इसको ये है सब में अंदर बैठा हुआ है, एक है से और नहीं तो एक नहीं है से, ये दो शब्दों से उसको समझा जा सकता है। इसीलिए वेद में कहा गया एक तरह से तो नेति नेति और दूसरे तरफ से अस्ति अस्ति। जितने हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें हो सकता है तो है नहीं तो नहीं है, दो चीज में हम सारा चीज को बोल देते हैं। अब कहाँ हो? हाँ सांझ मैं बैठा हूँ इधर। अच्छा क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूँ इधर, ये सब्जियाँ बनिया कर रहा हूँ। बैठे हैं ना? है ना? मैं नहीं हूँ,
मैं नहीं हूँ, सब्जी अमनिया नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे उधर कौन है खड़ा? न मैं ककड़ी नहीं खाया हूँ। चलो बोलो, तो बोलना है तो एक बोलेंगे हूँ, नहीं तो नहीं हूँ, यही तो बोलेंगे ना, और इससे कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ बोल सकते हैं, क्या बोलोगे? हम चुप हो जाएंगे, मुस्करा देंगे, तो वो भी तो एक बॉडी लैंग्वेज हुआ, हाँ होगा नहीं तो नहीं होगा, हाँ चुप नहीं हो सकता हो, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ बोलता है। लैंग्वेज अलग अलग किस्म के होते हैं, कोई वाणी से, कोई शरीर से, कोई इशारा से, कैसे भी भाषा तो है, और वो भाषा दो दो किस्म के भाषा होता है, एक है और एक नहीं है। इसी के अंदर सारे संसार में जितने शब्दों को हम प्रयोग करते हैं सब इसी के अंदर है। देर आर ओनली टू लैंग्वेजेस, वन इज यस, द अदर इज नो। वॉट एवर यू से, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय नो नॉट दिस, और इट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस इज दिस। ऑल द लैंग्वेज आर विद इन दिस टू वर्ड्स, यस और नो। यस सर, नो सर, वेरी वेल सर। अनपढ़ है ना आप, नहीं जानते हो ना, तीन शब्द को रट लो, अरे आप बड़े भारी विद्वान बन जाएंगे। क्या क्या? हाँ जी, नहीं जी, बहुत अच्छा जी, बस हो गया। और कोई बोलना जरूरत नहीं। मजेदार चीज है, तीन बार तीन शब्द को याद कर लो, हाँ जी, नहीं जी, बहुत बढ़िया जी। मुझे सब फोन में बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं, स्वामी जी कैसे हैं तबीयत? मैं इसी से जवाब देता हूँ, हाँ ठीक है बस। क्या अंदर चल रहा है, कौन क्या समझेगा, तू बोलना तो पड़ता है भाई। हाँ ठीक है, नहीं थोड़ा ठीक नहीं, बस क्या समझते हैं लोग पता नहीं, और मैं क्या बोलता हूँ पता नहीं। ऐसे ही हमारी जिंदगी, तो वो करे सारे दुनिया के जितने भाषा हैं वो सारा दो शब्द में अनुसीवत है, सब बंधे हुए, दो शब्द से सारा दुनिया का सब भाषा हो जाता है, अंदर आ जाता है उसी के, एक तो है एक तो नहीं है। बस जीरो और वन डॉट्स, बस वही तो, इसी के आधार पर बनाया कंप्यूटर, कौन बनाया? आदमी तो बनाया, और आधार क्या है? इसी के ऊपर है, यस एंड नो, उसी को तो ये कह रहा है। ये जगत जाल का उत्पादक महाकाल इस आत्मदेव का द्वारपाल है, यानी अविशुद्ध दशा में ये जो हाँ और नहीं, ये दो चौकीदार हैं परमात्मा के द्वारपाल। हाँ द्वारपाल, वो अगर तुम शुद्ध पवित्र हो, घर जाने के लिए भी चौकीदार का सहमति चाहिए, यस गो। अगर नहीं जाना है, तुमको पहचान नहीं है तुम्हारा, तो नो यू कैन नॉट गो। दिस यस एंड नो, दिस टू वर्ड्स आर द गेट कीपर ऑफ द एब्सोल्यूट। दे आइदर अलाउ यू इनसाइड और दे स्टॉप यू गोइंग इनसाइड। यस एंड नो,
to these words, which includes all the languages of the whole universe. They are the gatekeeper of the absolute. Either they allow in or they reject you. What does the gatekeeper do? Either it allows you or it stops you. Two things only. द्वारपाल दो ही काम करेगा, अंदर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। वेद में यही तो कहा, हाँ 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 करते चलो, नहीं तो नहीं नहीं करते चलो। नेति नेति करी वेद पुकारा, इसीलिए तो कहा गया दो ही शब्द से सारे वेद को समझ जाना चाहिए। इतना पढ़ने के लिए कहाँ समय है हमारे पास। हाँ से मान लो, नहीं तो नहीं से मान लो, तो समझ जाओगे वेद का सार क्या है। अरे ये दोनों शब्द हमारे दिमाग का भी गेटकीपर है, परमात्मा का भी गेटकीपर है। हम सारा दुनिया को इसी दो से ही हम तो स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, हाँ नहीं से। और इस दो को छोड़ कर के क्या रहता है एक तीसरा, जो वर्तमान शून्य काल है। शून्य काल जो हाँ नहीं के बीच परम मौन, उसी को हम कहते हैं संधि, और वह परमात्मा का स्वरूप है। फिर हम कल देखेंगे अंदर हमको छोड़ेगा या नहीं। द्वारपाल जो बैठे हैं खड़े होते हैं होकर के उधर दरवाजे के सामने, उनको पूछेंगे क्या हाल था हमारा भाई, हमको पास है अंदर जाने का या नहीं, कल देखते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान